गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास. टुडे आवर टॉपिक इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. पहले हम स्पेलिंग रीड करेंगे लिविंग के, LIVING, लिविंग एंड नॉन लिविंग, NON, LIVING, लिविंग नॺन लिविंग थिंग्स, THINGS, थिंग्स. ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते क्या हैं. लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो खुद से ग्रो कर सकते हैं, दे कैन मूव, टॉक, एंड जिस भी चीज़ में आपको पावर नज़र आए या ख़ुद से वो मूव कर सके, बोल सके, बड़ी हो सके, ग्रो कर सके, वो होती है लिविंग थिंग. एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो खुद से मूव नहीं कर सकती, खुद से ग्रो नहीं कर सकती, उनको किसी की पावर चाहिए होती है मूव करने के लिए या उनको बड़ा करने के लिए, कुछ भी. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. लिविंग थिंग्स जैसे इंसान हो गए, कोई ट्री हो गया, वो ग्रो कर सकता है. एक बेबी होता है, वो बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तो वो क्या है? लिविंग थिंग. जैसे एनिमल्स होते हैं, फ़िश होती है, फ़िश एक स्मॉल फ़िश होती है, फिर वो ग्रो करती है, बड़ी हो जाती है, फ़िश खुद से इधर उधर चली भी जाती है, तो ये होते हैं लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स आपके क्या होते हैं? जैसे चेयर है, रॉक है, चेयर को हम मूव नहीं कर सकते, उसको मूव करने के लिए हमें किसी और की पावर की ज़रूरत है. और चेयर जो होती है वो खुद से कभी बड़ी नहीं हो सकती. यहाँ पे मैंने आपके पास दो कॉलम्स बनाए हुए हैं. आपने लिविंग थिंग्स में मुझे बताना है कौन सी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो हम लिविंग थिंग्स में पेस्ट करेंगे. अगर आपने पेस्ट नहीं करनी, आप खुद से प्यारी से ड्राॅइंग करके इसको बना सकते हो. ओके, अब मैं आपको एक पिक्चर शो करूँगी, आपने मुझे बताना है कि ये क्या है. ओके, विच पिक्चर इज दिस? काओ. तो मुझे बताएं, काओ जो है, आपने ईद पे देखी होगी काओ, काओ नॉन लिविंग थिंग है कि लिविंग थिंग है? काओ खुद से मूव कर सकती है, स्मॉल होती है, फिर बिग हो जाती है, खाती भी है, बड़ी भी हो जाती है, तो ये क्या है? लिविंग थिंग. तो आपने मुझे बताना है हमने इसको कहाँ पेश करना है, नॉन लिविंग में या लिविंग में. ये चलती है, ग्रो करती है, तो इसको हम इसीलिए पेस्ट करेंगे लिविंग थिंग्स में. गुड, आपने पेस्ट करना है. पेस्ट नहीं करना तो आप खुद से इसको ड्रॉ कर सकते हैं. अब मैं आपको दिखाऊंगी एक दूसरा ऑब्जेक्ट, आपने मुझे बताना है ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है. ये हमारे पास पॉट है, पॉट में मामा खाना पकाती हैं और ये खुद से मूव नहीं कर सकता. आपने देखा होगा मामा इसको उठाती हैं और ये कभी बड़ा नहीं होता. तो ये लिविंग थिंग है कि हमारा नॉन लिविंग थिंग है? कि हमारा नॉन लिविंग थिंग है. हम इसको नॉन लिविंग थिंग वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे. गुड, अब मैं आपको एक और पिक्चर शो करूँगी, आपने मुझे बताना है ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है. विच पिक्चर इज दिस? डक. ये देखें, इतनी ब्यूटीफुल